हमारी पत्नी इतनी भी समझदार नहीं है कि कोई उस तरह कम पढ़ी लिखी है, जिसको जो कहा जाएगा वही कहेगी। और राधिका नाम की जो लड़की है वो कौन है? राधिका को हमारे यहाँ लड़की आई थी, उसके साथ भी मिसयूज हुआ था, वो घर भेजवा दिया गया। लेकिन मैं तीसरे के चक्कर में जो मेरे साथ गेम खेला उसी के चलते मैं फंसा, और आज भी किसी को नहीं है मतलब। आरोप है कि नशा का गोली खिला करके और आप उसके साथ गलत करते थे, कहाँ तक सच्चाई है? अगर उस ऐसा बात रहेगा उस लड़की को बुला दिया जाएगा, उस लड़की में उसे सीधे बुला जाएगा कि क्या तुम्हारे साथ मैं कुछ किया हूँ, बताओ, नहीं तो डीएनए टेस्ट करवाओ, रिकॉर्ड ही निकालो। बिल्कुल। अच्छा, इसमें किसका हाथ लग रहा है आपका घर बर्बाद करने में, उजाड़ने में? घर बर्बाद करने में अर्जुन का हाथ है, क्योंकि हमारे यहाँ भाई बन के रहता था। हाँ, और उसी को अर्जुन तो कैसे, जो इंसान अपने हाथों से कलाई में राखी बांधता है उसके साथ तो कैसे मतलब संबंध बना सकते हैं? भैया मुंह बोली जो बहन किसी को देखे, मैं कह रहा हूँ मेरी बीवी जो सबसे पहले है कम पढ़ी लिखी है, और उसके बाद जिस तरह ट्रीट करेंगे अगर ज्यादा आप रहेंगे चढ़ा देंगे बढ़ाने कोई चीज तो वही करेगी, और महिला के पास उतना ही माइंड होता है जैसे इंसान के सोच में। इसी को लेकर के वो गाइड कर रहा था कि हम इसको जब लेके चले जाएंगे। देखिए मालती का गलती मैं अभी तक नहीं इसको देता हूँ, क्योंकि वो चीज वो नहीं है जो चीज होना चाहिए। और दूसरी बात है कि वो जो ये कहता था मेन है कि पैसा कमाती थी मालती, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो बंदा आके गाड़ी पहुंचेगा, गाड़ी धोएगा, और जो देख लेगा 60,000-70,000 महीने का कमा रहे हैं, तो उसको आके चकाचौंध नहीं होंगे। मालती को अपने फीवर लेते, मालती को लेके जाते हैं और उसको चढ़ा बढ़ा के यहाँ तक कि जर जेवर लेके भगाने का पूरा प्लान बन गया था। मतलब आपकी पत्नी को, हमारी पत्नी को मतलब ऐसे गेम खेला आपके ऊपर, आपकी पत्नी ने ब्लेम लगाया विष्णु भैया आपके ऊपर, आरोप ये भी लगा कि 6 महीने से उस लड़की के साथ आपका गलत अफेयर। मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर है तो मैं कालिस्टी निकलवाता हूँ जी, और उसके बाद डीएनए मेरा टेस्ट करवाए, इसलिए क्योंकि उसके साथ जो गेम खेला जा रहा है मेरी वाइफ के साथ अभी भी चाहे जहीं भी हो, लेकिन उसके साथ अर्जुन ही अभी तक गेम खेला जा खेल रहा है। गोरखपुरिया फौजी साथ दे रही है उसमें, क्या कहिए? देखिए जो चीज उनको नहीं पता रहेगा, अच्छा उनका काम है भाई, अगर मालती उनसे कह रहे कि हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, बिल्कुल, तो वहां वो बुलाएं उनको। देखिए जो उनको पता था वो करेंगे, जो हमको पता हम करेंगे, लेकिन जो गेम पूरा खेल रहा है उसको तो नहीं पता है ना क्या कैसे हो रहा है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने ये भी कहा आपके पत्नी ने आपके ऊपर ब्लेम लगाया, बहुत बड़ा इल्जाम लगा हुआ है कि 6 महीने से उस लड़की के साथ अफेयर भी था, और उसके बाद आपने एक्सेप्ट भी किया था, आपने अपने गलती का खुद एहसास किया। एक्सेप्ट देखिए कोई की, यही तो बात है कि तीसरा जब चढ़ाने पे आया, अभी बहुत बहुत से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कहा गया था, लेकिन हम अगर हम बोल रहे हैं, पीछे बोल रहे हैं, इधर आइए ना, किसी के कि हमारे स्टूडियो में जो लड़की आती है उनसे मेरा अफेयर रहता है, तो बताइए आपके पास सबूत रहेगा तब मानेंगे? या तो भाई कॉल रिकॉर्डिंग निकालेंगे, या तो डीएनए मेरा कॉल रिकॉर्डिंग आप वायरल किया है, बोला जा रहा है पूरा एडिट करके चला जा रहा है उसको। तो भाई एडिट देखिए, इसमें जो है मेन अर्जुन ही है, और जिस तरह हमारी बीबी को बहला फुसला के ले भी गया था, अच्छा। लेकिन मैंने चौकी पे जाके उसके प्रति एफआईआर किया, तब जाके वो माइके उनको भेजवाया, और यहाँ तक नहीं हमारे साले को, हमारे साली को, सबको भरमा दिया था। अच्छा, गोरखपुरिया भाव जी आरोप लगा रहे हैं कि अगर ऑडियो वायरल नहीं होता तो ये सब कांड नहीं होता इतना बड़ा। लेकिन ऑडियो वायरल देखिए होता नहीं, सब वो जो मालती को जबरदस्ती मरने पे मजबूर कर रहा था अर्जुन नाम का जो व्यक्ति है, अच्छा। क्योंकि वो अपने फीवर में ऐसे लेना चाहता कि हम विष्णु से तलाक करवा के, हाँ, अच्छा। पहले तलाक करवाना चाहता था, अच्छा, अच्छा। कि तलाक करवा के हम शादी करने का बहाना करेंगे। विष्णु जी अब सारी कार्रवाई होने के बाद, सारी चीजें होने के बाद, अब राहुल चौरसिया जो आपके मित्र हैं उनके ऊपर गोरखपुरिया भौजी का बहुत बड़ा ब्लेम लगा है, गहना चोरी का, ये कहां तक सच्चाई है? देखिए मैं कह रहा हूं कि मेरी बीबी को जिस तरह अभी भी गेम खेला जा रहा है, और गेम खेलने वाला उनका वही जो उनको गाइड कर रहा है, मैं अब देखिए सबसे पहले तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सबसे पहले उस बंदे को सजा मिलनी चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि हमारी जिंदगी बर्बाद की, हमारा जिंदगी छीना है, बिल्कुल। और 4 दिन से मैं खाना तक नहीं खाया इसलिए कि हमारी बीबी हमारे बच्चों को इतना बहला फुसला दिया गया है। हमारी बीबी इतनी भी गलत नहीं थी कि जीत एक कदम उठा सकती है, लेकिन उसके साथ ऐसा खेल खेल के कि भाई बहन का रिश्ता बना के ब्लैकमेल करके उसको ऐसा किया जा रहा है। हम लोग भी, हमको नहीं पता था, मेरा भाई मुझसे झगड़ा कर लिया था इसीलिए कि भैया आप अपने पत्नी को गुनहगार नहीं मानते, अगर देखिए गुनहगार होती तो यहाँ से वहाँ कैसे जाती, उसको ये नहीं पता कि ऐसे वो कर सकती है कोई चीज है। अभी कोई चीज है जिस तरह उसको सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वहाँ अभी गई थी बोली कि थाने पर यही आई थी, तो उसको कोई मैटर नहीं पता था। यहाँ देखिए पुलिस वाले भी बोले कि तुम मालती को भेजे थे ऑटो से, वो बोला हम नहीं
भेजते वहां से मालती फोन की कि भैया जो नटोइया भेजले रहला वो चली गई। तो सोचिए अगर इसको कोई चीज पता होता तो ये नहीं खुद गेम नहीं। क्या कुछ सच्चाई है, सच्चाई क्या है इसमें, इसमें सच्चाई क्या यही है कि अर्जुन हमारे हमारे पत्नी के बीच की जिंदगी जो बर्बाद किया है हम छोड़ेंगे नहीं उसको, क्योंकि एक तीसरा और किसके किसके ऊपर आप FIR करने वाले हैं? FIR देखिए सबसे पहले अर्जुन के ऊपर होगा क्योंकि मेरे जिंदगी में विलन बन के आया, उसकी भी पत्नी है, उसकी भी बहन, उसके बच्चे। अब सोचिए जो मेरी पत्नी को बहन बना के इस तरह उसके साथ सुलूक कर सकता है क्या दूसरे के साथ नहीं कर सकता।